हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर। और इस वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको समझ ही गया होगा कि ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बल्कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के फैक्ट्स के बारे में है, जहां पर हम इस फिल्म को इसके पिछले तीनों पार्ट से कंपेयर करेंगे। और मैंने इस फिल्म को पर्सनली दो बार देखा है, इसलिए मैं आपको इस फिल्म के गुड साइड और बैड साइड दोनों को एक्सप्लेन करूँगा। और क्या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग या कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला अपने पिछले तीनों पार्ट से बेहतर है या नहीं, ये तो आपको इस वीडियो के अंत में मालूम पड़ेगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि YouTube पर बाकी एक्सप्लेनर्स ने कचरे की तरह इस मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है, और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है, इसलिए मैं अपने चैनल पर पहली बार कुछ अलग और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। और अगर चैनल पर पहली बार दर्शन हुआ है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन्हें नहीं मालूम उनको बता दूं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स की चौथी मूवी है, और इससे पहले भी इसके डायरेक्टर ने इससे पहले तीन मूवीज़ बनाई है, जिसमें से पहली गॉडजिला जो कि 2014 में आई थी, और उसके बाद कॉन्ग स्कल आइलैंड जो कि 2017 में आई थी, और फिर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर ये मूवी 2019 में आई थी। और इन तीनों मूवी को देखने के बाद आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की पूरी स्टोरी एकदम क्लियर समझ में आएगी कि कैसे कॉन्ग और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में एक दूसरे के आमने सामने आए। और अगर आपने ये तीनों मूवीज़ देखी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, मैंने इन तीनों मूवीज़ को अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इन मूवीज़ को देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप सभी से कहा था कि मैंने इस फिल्म को दो बार देख लिया है, और मुझे इस फिल्म के कुछ गुड और बैड पॉइंट्स मिले जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला साइज। अगर आप ध्यान से इस मूवी को देखेंगे तो आप बहुत बार नोटिस करेंगे कि कॉन्ग जो कि मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए, वो उतना बड़ा नहीं है। आपने अगर कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी देखा होगा तो उसमें जिस कॉन्ग को हमने देखा है वो काफ़ी विशाल और बड़ा है। और 2017 में आई कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में जितनी बार भी आप कॉन्ग को देखोगे उतनी बार कॉन्ग आपको पावरफुल और जिगैटनिक लगेगा। पर वहीं एज़ कम्पेयर टू दिस मूवी 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, यहाँ फिल्म मेकर्स ने कॉन्ग को कई जगह छोटा दिखाया है तो कई जगह बड़ा दिखाया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में एंटर करता है तो एकदम पिद्दी सा लगता है, जैसे मानो कि हम किंग कॉन्ग वाला कॉन्ग दिख रहे हो। और वहीं सडनली जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का आमना सामना होता है तो कॉन्ग एकदम से बड़ा दिखता है, और ऐसा ही हाल गॉडजिला का भी है जो कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर में काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक है। तो वहीं इस मूवी में गॉडजिला खतरनाक तो है, लेकिन बोलते हैं ना एक जाइंट वाली फीलिंग नहीं आती, पर ये फीलिंग आपको 2014 में आई गॉडजिला में मिल जाएगी, जिसमें गॉडजिला जब शहर के ब्रिज पर अपेयर होता है, जहाँ पर गॉडजिला का एकदम विशाल रूप देखने मिलता है। तो वहीं इस मूवी में गॉडजिला कब आता है कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। पर ये सब करने के पीछे फिल्म मेकर्स का शायद एक ही रीज़न होगा कि जब वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करे तो वो छोटे बड़े ना लगे, इसलिए उन्होंने इन दोनों को ही कई जगह लोकेशन और प्लेस के हिसाब से छोटा और बड़ा दिखाया है। और ऐसे में इन दोनों टाइटन्स की हाइट की बात करूँ, जो कि खुद मैंने अपने हाथों से गूगल मार के देखा है, और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है, जहाँ कॉन्ग अभी तक 335 फीट का है तो वहीं गॉडजिला 393 फीट का है। और अगर साइज़ में बात किया जाए तो यहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा है। और अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है स्पीड। कॉन्ग तो अपने पावरफुल अटैक्स और स्पीड के लिए जाना जाता है, लेकिन गॉडजिला जिसके पिछले दोनों पार्ट में गॉडजिला हमें एवरेज स्पीड या फिर स्लो स्पीड पर अटैक करते हुए दिखा है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है तो उसे मूव करने के लिए टाइम लगता है। पर यहाँ 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में अगर आप गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट देखोगे तो आप क्लियर देख सकते हो कि गॉडजिला अपने अटैक स्पीड से कर रहा है, और इसके साथ ही साथ वो अपने बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। और ये सीन मुझे कुछ खास जमा नहीं, मतलब यार गॉडजिला है तो गॉडजिला रहो ना, काय को कॉन्ग बन रहे हो। और यहाँ पर हम गॉडजिला के कुछ न्यू अटैक्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो अपने खूंखार दांतों का इस्तेमाल कर रहा है, और ये हम साफ देख सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ग पे बार बार बाइट करने की ट्राई करता है। तो वहीं इस बार
न्यूक्लियर बीम के साथ ही साथ वो अपने पंजों का भी इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ एंडिंग फाइट में गॉडजिला अपने पंजों से ही कॉन्ग को हरा डालता है, और इस अटैक से कॉन्ग को काफ़ी हैवी इंजरीज होती है, जो कि आप मूवी में देख सकते हो। बाकी अगर मैं इस फिल्म के CGI और VFX की बात करूँ तो एकदम अमेजिंग है, एकदम फिनोमिनल है। अगर आप हांगकॉन्ग वाली फाइट सीन देख लोगे ना, जहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की फ्लैश फाइट हुई है, जिसमें जो रात में लाइटिंग्स एंड जो भी VFX और CGI यूज़ किया है, वो सब एकदम ऑसम और फैंटेस्टिक होता है। और अब इसके आगे मॉन्स्टरवर्स की कोई और फिल्म आएगी ऐसा लगता तो नहीं है, बिकॉज फिल्म में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन दिया नहीं है। सो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।